हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुशल बरनवाल और आप सभी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुशल बरनवाल, आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि बीएससी मैथ्स में बहुत आपके इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं और हो सकता है कि आपके भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि क्या इसके पहले वाले जो भी लेक्चर अपलोड किए गए हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पर बेस्ड तीन एग्जांपल्स को, तीन लेक्चर्स को, क्या आप उसको देखे हैं? अगर आप देखे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक को। देखिएगा, लिखा गया कि इफ यू इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस एक्स, इफ यू इक्वल टू ई पावर एक्स वाई जेड, सो दैट डेल क्यू यू by del x del y del z equal to 1 plus 3xyz plus x square y square z square into e power xyz। अब ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन गिवन, और क्या गिवन है? तो u equal to e power xyz। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको अभी बताया गया था, यानी कि आप जैसे आप देख रहे थे इसके पहले लेक्चर में देखे हैं, तो उसमें बताया गया था कि जब भी डिफरेंशिएशन करना है, अगर हायर ऑर्डर में हो, यानी कि दो से जैसे एक्स वाई जेड तीनों का एक ही बार हो, मतलब कि इस तरह, तो हम लोग कैसे x का पहले करें या पहले y का या पहले z का, मतलब ये कि u का डिफरेंशिएशन पहले x के रिस्पेक्ट में करें या पहले y का या फिर z का। इसके लिए हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं, राइट टू लेफ्ट। पहले क्या आया, z, तो पहले u का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, जो आएगा यानी कि del u by del z उसका y के रिस्पेक्ट में, फिर क्या आएगा del 2u by del y del z उसका फिर x के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं पार्शियली, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये डेल यू बाई डेल जेड, ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल जेड, डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू, अब इसका डिफ्रेंसिएशन, तो डेल ई पावर एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा, डी ई पावर टू एक्स बाई डी एक्स। अगर ऐसे क्वेश्चन होता था ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में, तो आप क्या करते थे, e के पावर 2x इन e का पावर 2x, और x में 2 से मल्टीप्लाई तो 2 कर देते थे, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना है, 2, कांस्टेंट है। तो ठीक ऐसे ही यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, z के रिस्पेक्ट में है, तो जब z के रिस्पेक्ट में मतलब क्या, x और y किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। जब y के रिस्पेक्ट में, तो x और z किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। और जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y और z काम करेगा, कांस्टेंट का। यहां पर किसके रिस्पेक्ट में, z के, मतलब कि x और y काम करेगा, कांस्टेंट का। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर एक्स वाई जेड, ये हो गया, इनटू कांस्टेंट कितना है, तो z का कोएफिशिएंट एक्स वाई, तो यहां पर एक्स वाई आ गया उस फॉर्मूले से। अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, z के हो गया, फिर क्या, y के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं अगेन, पार्शियली, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। तो यहां से आएगा ये डेल टू यू बाई डेल वाई डेल जेड, ऐसे आएगा, और फिर इस पूरे का डिफरेंशिएशन, तो ध्यान दीजिए किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो ये x किसका काम करेगा, कांस्टेंट का, z भी कांस्टेंट का, तो यहां से x को कर लेते हैं बाहर, तो ये क्या आएगा, डेल y इंटू e का पावर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बाई डेल y, ऐसे आएगा। इसको तोड़ देते हैं इवन टू वी पर, तो यहां से x को बाहर है तो बाहर रखिए, y को बाहर किए, और e के पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर एक्स वाई जेड, और y के रेस्पेक्ट में मतलब एक्स जेड कॉन्स्टेंट का काम करेगा, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, जैसे आप यहां पर किए थे, फिर क्या, प्लस, अब e के पावर एक्स वाई जेड को बाहर कर देते हैं, और y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये बात आप समझ रहे हैं, इसलिए इसको मिटा दिया जाता है। तो यहां से आया ये डेल टू यू बाई डेल वाई डेल जेड इक्वल टू कितना, तो ये आया, ध्यान दीजिए, इससे इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही मल्टीप्लाई करें, तो एक्स और एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर, और ये वाई जेड, तो ये वाई जेड ई का पावर एक्स वाई जेड, प्लस यहां से क्या, एक्स मल्टीप्लाई करेगा इसमें, तो ये आएगा एक्स ई का पावर एक्स वाई जेड। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के रेस्पेक्ट में, तो लिखते हैं पार्शियली
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से हो जाएगा ये डेल क्यू यू बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डिवाइडेड इक्वल टू और देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में मतलब ये वाई जेड किसका काम करेगा कॉन्स्टेंट का, तो वाई जेड को भाग कर दिए और ये डेल एक्स एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस प्लस यहां से फिर किसके रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में तो इसका डिफरेंशिएशन डेल एक्स इंटू ई का पावर एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स ऐसे हो जाएगा। अब यहां ध्यान देंगे यहां से यील्ड भी, तो ये क्या करते हैं हम लोग वाई जेड को बाहर है तो बाहर ही रखते हैं, यील्ड भी तो एक्स एक्स स्क्वायर को बाहर किए और e के पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x इनटू x का कोएफिशिएंट कितना वाई जेड, तो ये वाई जेड बाहर आ गया प्लस अब e के पावर एक्स वाई जेड को बाहर किए इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 2x प्लस यहां पर x को बाहर किए और e के पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन तो एक्स वाई जेड और x के रिस्पेक्ट में तो वाई जेड कॉन्स्टेंट का काम किया बाहर आ गया प्लस e का पावर एक्स वाई जेड बाहर है और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वन ऐसे आएगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा देखिएगा क्या वाई जेड वाई जेड वाई जेड यहां भी है वाई जेड यहां भी है और एक्स स्क्वायर है तो ये आएगा एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर e का पावर एक्स वाई जेड प्लस ये जब यहां मल्टीप्लाई करेगा तो टू एक्स वाई जेड ई का पावर एक्स वाई जेड प्लस यहां से ये हो जाएगा एक्स वाई जेड ई का पावर एक्स वाई जेड प्लस और ये e का पावर एक्स वाई जेड सब में से कॉमन ले लीजिए e का पावर एक्स वाई जेड तो देखिए क्या आता है यहां से सब कॉमन आ गया तो वन प्लस ये टू और वन थ्री तो ये हो जाएगा थ्री एक्स वाई जेड प्लस यहां से ये बचेगा यानी कि एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर एंड दिस इज प्रूव्ड। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसके बाद देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है हम लोग का इफ एक्स पावर एक्स इंटू वाई पावर वाई इंटू जेड पावर जेड इक्वल टू सी सो दैट एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स का होल पावर माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा सोल्यूशन सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिख दीजिए, गिवन एक्स पावर एक्स वाई पावर वाई और ये जेड पावर जेड इक्वल टू सी। देखिए हम लोग को जेड को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब जेड वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो देख रहे हैं क्या कि वेरिएबल पर वेरिएबल है, तो वेरिएबल पर वेरिएबल है और जेड वाले टर्म को अलग करना है तो हम लोग क्या करेंगे लॉग ले लेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स और यहां से आ जाएगा ये लॉग एक्स पावर एक्स प्लस लॉग वाई पावर वाई प्लस लॉग जेड पावर जेड इक्वल टू सी। अब ये कैसे तो देख लीजिएगा यहां फॉर्मूला होता है अगर लॉग ए इंटू बी हो तो फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ये भी फॉर्मूला होता है और एक और फॉर्मूला होता है लॉग ए पावर बी तो पावर को बाहर करते हैं और इंटू लॉग ए ऐसे। तो यहां से फॉर्मूला में क्या किए यूज करते हैं तो x को बाहर किए और ये log x प्लस y को बाहर किए ये log y प्लस z को बाहर किए और ये log z इधर भी log c रहेगा इक्वल टू log c। हम लोग को जीरो टर्म एक तरफ चाहिए तो इस वाले टर्म को इधर ही रखिए z log z इक्वल टू इस दोनों को इधर लाइए तो ये हो जाएगा log c पहले से है माइनस x log x माइनस वाई लॉग वाई किसके रिस्पेक्ट में करना है पहले वाई के रिस्पेक्ट में, इसको मिटा देते हैं वाई के रिस्पेक्ट में क्योंकि हम लोग राइट से लेफ्ट बढ़ते हैं तो पहले वाई बाद में एक्स। तो लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई तो यहां से क्या आएगा ध्यान दीजिए सबसे पहले यहां पर तो क्या रहेगा जेड क्योंकि इसको हम रखे हैं तो यहां से आएगा डेल जेड लॉग जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई इक्वल टू इस कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, ये भी किसके वाई के रिस्पेक्ट में तो ये एक्स वाला टर्म तो ये भी कितना जीरो माइनस और इसका डिफरेंशिएशन डेल वाई लॉग वाई
वाई डेल वाई ऐसे आएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, तो जैसे ही फॉर्मूला यूज कर रहे करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, यहाँ पर तो ये आएगा ई इंटू वी वाला फॉर्मूला। तो जेड को बाहर किए और डेल लॉग जेड बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई फॉर्मूला सेट कर दिए हैं, प्लस लॉग जेड को बाहर किए इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू, ये दोनों खत्म हो जाएगा, माइनस ये वाई यू इंटू वी, तो वाई को बाहर किए और डेल लॉग वाई बाई डेल वाई प्लस, लेकिन ये बाहर माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो यहां भी हो जाएगा माइनस, और ये लॉग वाई डेल वाई बाई डेल वाई ऐसे आएगा। अब ये बताइए यहां से लिख सकते हैं कि आपकी जेड इंटू वन बाई जेड इसका फॉर्मूला इंटू डेल जेड बाई डेल वाई प्लस लॉग जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस वाई, और यहाँ क्या आएगा वन बाई वाई माइनस लॉग वाई इंटू इसका वैल्यू वन। तो यहाँ से देखिए वाई से वाई कैंसिल और ये जेड से जेड कैंसिल, तो क्या आएगा इस दोनों में से क्या कॉमन ले लिया जाए डेल जेड बाई डेल वाई, तो ये डेल जेड बाई डेल वाई कॉमन ले लिए तो वन यहाँ से वन प्लस यहाँ से लॉग जेड इक्वल टू इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा वन प्लस लॉग y, तो therefore del z by del y equal to क्या आएगा माइनस वन प्लस log y डिवाइडेड बाई वन प्लस log z ऐसे आया। अब ये बताइए इसका डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो लिखते हैं अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डेल टू जेड बाई डेल एक्स और ये डेल वाई इक्वल टू। अब यहां ध्यान दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में करना है मतलब कि वाई वाला टर्म किसका काम करेगा कांस्टेंट का, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं यानी किसको, तो ये माइनस तो रहेगा ही वन प्लस लॉग वाई इसको बाहर कर लिए तो यहाँ क्या बचेगा डेल वन बाई वन प्लस लॉग जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड सही। अब इसका फॉर्मूला तो पहले 1 बाई एक्स का, तो 1 बाई एक्स क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और तब 1 प्लस लॉग जेड का, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस 1 प्लस लॉग जेड और यहां हो जाएगा माइनस, इसको बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस क्या आएगा यहां से इसको सही से कर दीजिए माइनस और ये 1 बाई 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर इंटू वन बाई जेड और ये डेल जेड बाई डेल एक्स। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कैसे यूज किया फॉर्मूला, तो देखिए वन बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन किए तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है और वन प्लस लॉग जेड तो वन का जीरो और लॉग जेड का वन बाई जेड और फिर जेड का डेल जेड बाई डेल एक्स ये ऐसे आया। अब यहां से क्या चाहिए हम लोग को, तो देखिए माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा लेकिन यहां से हम लोग को चाहिए किसका वैल्यू डेल जेड बाई डेल एक्स का, तभी तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका मतलब ये कि यहां से जो हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं ये वाई के रेस्पेक्ट में, अब हम लोग को फिर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं जेड लॉग जेड इक्वल टू लॉग सी माइनस एक्स लॉग एक्स माइनस वाई लॉग वाई ऐसे। अभी बताइए यहां से हम लोग को किसका वैल्यू पुट करना है डेल जेड बाई डेल एक्स का, मतलब कि इसको हम लोग को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो लिखते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से हो जाएगा इवन टू वी पर तो देते हैं तो z को बाहर और ये डेल लॉग जेड बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस लॉग जेड को बाहर किए और ये डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू, अब देखिए इसका भी जीरो माइनस इसका भी जीरो लेकिन ये सॉरी इसका जीरो माइनस यहां से क्या मिलेगा हम लोग को डेल, ध्यान दीजिए डेल और ये एक्स लॉग यहां पर एक्स रहेगा एक्स लॉग एक्स बाई डेल एक्स और हम लोग को इसका कोई जरूरत नहीं है इसलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं।
तो क्या आएगा यहां से, ये आएगा माइनस में जीरो, एक्स के रेस्पेक्ट में है। अब ये बताइए यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू वन बाई जेड लिख सकते हैं, और ये डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ये लॉग जेड और ये डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस, और यहां से फॉर्मूला तोड़ दीजिए, फॉर्मूला को बैठा दीजिए, एक्स को बाहर किए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स माइनस बाहर है, प्लस लॉग एक्स को बाहर किए और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन, तो यहां से इसे ये कट गया, इसे ये कैंसिल, तो दोनों में से क्या कॉमन, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू वन प्लस लॉग जेड आ जाएगा यहां से इक्वल टू माइनस, और ये वन प्लस लॉग एक्स ऐसे आ गया, तो देयरफॉर डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वन प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस लॉग जेड ऐसे आएगा। अब क्या लिखते हैं नाउ इसमें क्या करें, हम लोग डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, तो लिखते हैं नाउ डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या ये माइनस और माइनस प्लस और वन बाई जेड, वन बाई जेड और ऊपर में क्या रहेगा न्यूमरेटर में वन प्लस लॉग जेड, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा वन प्लस, यहां पर कहीं मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहां पर क्या है ये वाई है, तो यहां पर रहेगा ये वाई, वाई रहेगा, तो वहां से ये वन प्लस लॉग वाई और ये वन प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू ये पूरा पुट कर देते हैं, यानी कि वन प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस लॉग जेड ऐसे आ जाएगा। अब इसको क्या करना है हम लोग को सॉल्व कर देना है, इन सब लोग का आ जाएगा, देख लीजिए तो ये आएगा, कलर चेंज कर देते हैं, ये आएगा डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, और यहां ध्यान दीजिए ये आ रहा है देख रहे हैं कि इक्वल टू वन बाई जेड और यहां से वन प्लस लॉग वाई वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स इंटू वन प्लस लॉग वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस लॉग जेड का होल पावर थ्री, क्यों थ्री, यहां से स्क्वायर और ये वन थ्री हो जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो बाहर आ जाएगा, यहां गया माइनस। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन में आप देखे थे क्या था क्वेश्चन, कि सिंस एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड था ऐसे, देयरफॉर डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू हम लोग को, और जो क्वेश्चन में प्रूव करना था इसका वैल्यू क्या था, एक्स लॉग ई एक्स का होल पावर माइनस वन, यानी कि जो भी टर्म है सब एक्स में चाहिए, तो जहां जहां वाई है जहां जहां जेड है वहां पर क्या करना है उनको एक्स पुट कर देना है, तो यहां हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स और ये हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स तो है ही इंटू वन प्लस ये लॉग और वाई है तो उसके जगह एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई वन प्लस लॉग एक्स का होल पावर कितना थ्री ऐसे आ जाएगा। अब ये बताइए कि यहां से आप देख रहे हैं कि ऊपर में क्या है वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या है पावर थ्री है, तो ये क्या आएगा माइनस वन बाई एक्स इंटू वन बाई वन प्लस लॉग एक्स ऐसे आएगा। इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं वन बाई एक्स और ये वन बाई वन के जगह लॉग ई लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो भी लॉग ले रहे हैं वो सबका बेस क्या है ई है, तो लॉग ई का वैल्यू ई बेस पर वन होता है प्लस लॉग एक्स, और इसको लिख सकते हैं माइनस वन बाई एक्स इंटू वन बाई लॉग ई एक्स, क्योंकि लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए इंटू बी, इस क्वेश्चन को जब शुरू बता रहे थे तभी बताए थे, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन बाई एक्स लॉग ई एक्स ऐसे आएगा, और तब इसको हम लिख देंगे माइनस एक्स लॉग ई एक्स का होल पावर माइनस वन एंड दिस इज प्रूव। तो ये रहा एक क्वेश्चन, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग का क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ वन बाई यू इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सो दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड
प्लस यू इक्वल टू जीरो, सेकंड है डेल डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी लिख देता है यू एक्स और ये स्क्वायर प्लस यू वाई इसका भी स्क्वायर प्लस यू जेड और इसका भी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो हम ध्यान रखेंगे ये। और इसके जगह भी लिख सकते हैं एक्स डेल यू एक्स यू एक्स वाई यू वाई जेड यू वाई प्लस यू इक्वल टू जीरो और इसकी जगह लिख देगा यू का पावर माइनस वन। तो आप ये समझ रहे हैं। चलिए तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन वन बाई यू इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आएगा, लिखते हैं पहले पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो माइनस वन बाई यू स्क्वायर, यानी कि वन बाई एक्स का क्या होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू। इसका जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन बाई टू रूट एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे होता है इनटू, अब ये रूट के अंडर वाले का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, वाई स्क्वायर का जीरो और जेड स्क्वायर का भी जीरो ऐसे आएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, इस यू स्क्वायर को हम इधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा देयरफॉर डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या आएगा यू स्क्वायर, जब जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस इधर है इसको इधर ला दिए माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और यहां ध्यान दीजिए क्या आएगा यहां से ये एक्स स्क्वायर टू इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू टू एक्स, यहां से टू से टू कैंसिल कर देते हैं। अब ये बताइए यहां से क्या है वन बाई यू के जगह पर है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अगर इसको हम वन बाई यू के जगह पर यू लिखे तो क्या आएगा यू इक्वल टू वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू तो यहां से हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर की जगह यू क्यूब हो जाएगा इंटू इंटू एक्स, और ये आया किसका तो ये डेल यू बाई डेल एक्स का, डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू। अब ऐसे ही अगर हम लोग फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा ऐसे ही अगर हम लोग फाइंड करेंगे ये डेल यू बाई डेल वाई का, तो इसका भी आएगा, तो लिख देते हैं सिमिलरली सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू क्या आएगा माइनस यू क्यू, और यहाँ एक्स आया है एक्स के रेस्पेक्ट में किए हैं तो वाई आ जाएगा वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो, एंड डेल यू बाई डेल वाई स्क्वायर ये डेल जेड है देख रहे हैं यहाँ पर डेल जेड है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू क्यू और ये जेड हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं फर्स्ट क्या होगा यहाँ से एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड, अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो डेल यू बाई डेल एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई, यानी कि ये तो ये आएगा माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में यू भी है तो ये यू स्क्वायर यू क्यूब है, देखिए यू क्यूब है और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर ऐसे ही इसका आएगा माइनस यू क्यू और वाई स्क्वायर, क्योंकि इसमें वाई से मल्टीप्लाई करना है माइनस जे क्या आएगा यहाँ से यू क्यू और इसमें जेड से मल्टीप्लाई करना है तो ये जेड स्क्वायर प्लस में कितना u इक्वल टू जीरो, ये जीरो लाना है जीरो तो लोगों को प्रूव करना है। अब ये बताइए इसमें से क्या कॉमन, तो माइनस यू क्यू कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस u आएगा ऐसे। अब यहां से ये समझिए, यहां से जब दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा इधर वन बाई यू स्क्वायर और इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस यू क्यू और इसका वैल्यू वन बाई यू स्क्वायर प्लस यू, ये इसको काटेगा तो आएगा माइनस में यू प्लस में यू इक्वल टू जीरो एंड दिस इज प्रूव्ड। तो ये थर्ड का फर्स्ट भी प्रूव हो गया। अब हम लोग क्या चाहिए डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि ध्यान दीजिए ये डेल यू बाई डेल एक्स आया है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और डेल यू बाई डेल जेड को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, और उसको क्या उसके बाद क्या करना है तीनों को जोड़ देना है पार्शियली
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये डेल टू यू बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस, और यहां ध्यान दीजिए यहां से क्या आएगा यू क्यू का डिफरेंशिएशन, तो ये थ्री यू स्क्वायर और ये डेल यू बाई डेल एक्स। यू क्यू का डिफरेंशिएशन थ्री यू स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स इंटू एक्स, क्योंकि एक्स को बाहर किए और यू क्यू का डिफरेंशिएशन, प्लस यू क्यू को बाहर किए और एक्स का डिफरेंशिएशन वन। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये देख जैसे ये डेल यू बाई डेल वाई का आया है माइनस में डेल क्यू वाई, तो वैसे ही आएगा माइनस डेल क्यू एक्स एक्स के लिए, प्लस यहां से क्या है ये यू क्यू। अब यहां ध्यान दीजिए इसमें से क्या करते हैं यू क्यू कॉमन लेते हैं, तो जैसे ही हम लोग यू क्यू कॉमन लेंगे तो यहां से क्या आएगा थ्री यू स्क्वायर और ये एक्स एक्स स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में आएगा और प्लस में यहां पर वन आएगा। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे सिमिलरली डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, जैसे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं एक्स वाले टर्म को, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे आएगा माइनस यू क्यू और ये माइनस थ्री यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन, ऐसे ही आ जाएगा। एंड डेल टू जेड डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू आएगा माइनस यू क्यू। देखिए एक्स है तो एक्स स्क्वायर, वाई वाला है तो वाई स्क्वायर, और जेड वाला होगा तो जेड स्क्वायर, यानी माइनस थ्री यू स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वन। और सेकंड में हम लोग को क्या प्रूव करना था, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर, यानी तीनों को जोड़ दे रहा है तो इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो माइनस यू क्यू और ये माइनस थ्री यू स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस यू क्यू माइनस थ्री यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन, माइनस यू क्यू माइनस थ्री यू स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वन, ऐसे आएगा माइनस यू क्यू माइनस यू क्यू माइनस यू क्यू कॉमन लीजिए तो माइनस यू क्यू कॉमन आ गया, यहां से आएगा माइनस थ्री यू स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहां से आएगा माइनस थ्री यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन, और यहां से आएगा माइनस थ्री यू स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वन, ऐसे देखो। अब ये बताइए आप देख रहे हैं कि इसमें से और इसमें से क्या कमन आएगा, माइनस थ्री यू स्क्वायर, तो बाहर में है माइनस यू क्यू माइनस थ्री यू स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर यहां से प्लस यहां से वाई स्क्वायर प्लस यहां से जेड स्क्वायर, और ये माइनस में देखिए प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा प्लस थ्री। और अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या लिखे थे, वन बाई यू इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जब दो तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा वन बाई यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वही फिर यहाँ पुट कर देना है तो ये जाएगा माइनस यू क्यू इक्वल टू माइनस थ्री यू स्क्वायर इंटू वन बाई यू स्क्वायर और प्लस में ये थ्री, तो यहाँ से ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस यू क्यू, ये माइनस थ्री प्लस थ्री इक्वल टू क्या आ गया जीरो, एंड दिस इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन में थ्री का फर्स्ट एंड सेकंड भी प्रूव्ड हुआ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इस सेक्शन में देखें पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर और बेस्ट क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री का सोल्यूशन, जो कि आपके बीएससी डिग्री के लिए जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।